असलम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी बिल्कुल ठीक, फिट फाट और मज़े में। तो खैर, ये वाला दिन बिल्कुल ही कैजुअल सा दिन था। मैंने कोई एज इन कुछ एक्टिविटी प्लान नहीं की हुई थी आज के दिन के लिए। बहुत ज़्यादा बोरिंग सा और डर सा मैं महसूस कर रही थी। मैं काफ़ी लेट उठी थी आज के दिन अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था उठने को, अपने लिए नाश्ता बनाने को। इतनी लेज़ी मैं फील कर रही थी। और होता है ना, कुछ ऐसे डेज़ भी आपकी लाइफ में आते हैं जब आप बिल्कुल लेज़ी होते हो, आपका कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा होता और आप चाहते हो कि अच्छा चलो लिंगर ऑन करते रहे अपने कामों को। ऑल्दो ये मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत भाग दौड़ के जलीली से काम करने वाली हूँ। बट स्टिल समटाइम्स आप थक जाते हो, यू नो, आपको अपना मी टाइम चाहिए होता है और आपका दिल चाहता है कि आप सुकून करो। एनीवेज गाइस, एक बहुत बेसिक सा और बहुत सिंपल सा डे था हमारा, और इसी तरह की हमारी रूटीन होती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने मैंने ही जाना होता है, और बेसिक सारे घर के जो रूटीन के काम होते हैं वो नॉर्मली करने होते हैं, खाना भी बनना होता है, और साथ के साथ लॉन्ड्री, सफाई, यू नो, कपड़ों को प्रेस करना, चीज़ों को अरेंज करना, सारी चीज़ों को असेंबल करना, मतलब ऑल टुगेदर खुद ही एक हाउस वाइफ को करना पड़ता है। तो स्पेशली होम मेकर जो होती है उसको करना पड़ता है। तो होता कुछ यूँ है कि आप जितना भी पेंडिंग करते जाओ ना अपने काम, एट द एंड और बाय द एंड ऑफ द डे आपको ही करना है। तो इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा हैसल फ्री बनाने के लिए और स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा ना हो जाए उस चीज़ से बचने के लिए, थोड़े थोड़े काम अपने, यू नो, करते रहना चाहिए। चाहे वो आप ऑल्टरनेटिव डेज में करो या वीकेंड पे करो या आप रोज़ के रोज़ सारे काम करो, हर बंदा अपनी ऑब्वियसली कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली चलता है। तो मुझे यही सही लगता है कि मैं साथ ही साथ हाथ के हाथ सारे काम करती रहूँ, ताकि यू नो, मतलब जब ढेर सारे बर्तन एकदम से इकट्ठे आप देखते हो ना, और आपको एकदम से जो वो स्ट्रेस लेवल आपका हाई होता है, आई कॉन्ट इवन टेल यू वो कैसा फील होता है। तो खैर, आज का दिन वो वाला दिन था जो कि बेस्ट दिन था, क्योंकि मैं सोई हूँ 2 घंटे एक्स्ट्रा, और मुझे इतना ज़्यादा लाइक मैं फ्रेश फील कर रही थी ना, और बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ अचीव कर लिया है। आई डोंट नो, लाइक सो के मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो खैर, क्योंकि आप शायद आपके नर्व्स बहुत ज़्यादा, यू नो, स्ट्रेस रहते हैं, और आपको सुबह सुबह वही बेसिक रूटीन, फटाफट उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ, सफाई करो, बर्तन धो, मतलब लाइक ये सारी रूटीन के काम फिर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको सोचने का, समझने का, नेचर को एंजॉय करना का, यू नो, अपने अपने बारे में कुछ सोचने का, या वैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं और आप चाह रहे हो तो उनको आप, यू नो, लाइक एक सैम्पल वे में उसको सोचो, देखो, लाइफ को सोचो, बट वो उस से कुछ टाइम नहीं मिलता। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के साथ क्या सीन होता है, आप लोगों को कुछ थोड़ा सा सोचने का मौका मिलता है लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट में जो किया, किसी का खुदा ना खासा अगर दिल दुखाया तो उसके बारे में, या किसी को कुछ टॉन्ट लाइक किया है तो उसके बारे में, मतलब आप सोचते हो, यू नो, अपना पर्सनल एनालिसिस भी करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा बेसिक टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, जिसके लिए आप लोग सोचो पूरे दिन में क्या किया, पूरे वीक में क्या किया, मतलब आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग इस तरह से कर सकते हो, आई थिंक। तो खैर, सारे काम हो गए, बच्चे को स्कूल से भी लेके आ गई, और फिर बस मैंने सोचा कि मैं आज फ़िश बनाऊं, और यहाँ पे मैं फ़िश की मैरिनेशन जो है ना रेडी कर रही हूँ। सारे बेसिक मसाले मैंने डाले हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर डाला है, और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला था, ऑरिगेनो डाला था, और ये बेसिक 2-3 मसालों का मिक्सचर था, वो मैंने होममेड बनाया हुआ था, वो मैंने डाला था। इतनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई थी ना, जिसकी कोई हद नहीं, और बहुत बहुत मज़े का लगा था। तो खैर, कुछ फिश जो थी वो मैंने मैरिनेट करके उसको फ्रीज़ कर दिया था, और कुछ जो थी वो मैंने उसको फ्राई कर दिया था। उसके बाद क्योंकि वीकेंड था और मैंने यही सोचा कि मैं साथ के साथ चिकन भी निकालती हूँ लेग पीसीस थे उसके, उसको भी मैं मैरिनेशन कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर, यू नो, ऐसा कोई डे आता है जिसमें आपका बिल्कुल कुछ बनाने को दिल नहीं चाह रहा होता, और अगर आपके पास ऐसा मैरिनेशन फॉर्म में या कुछ स्टॉक फॉर्म में आपके फ्रीज़र में कुछ चीज़ें रेडी टू मेड पड़ी हो ना, यकीन करें आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। और मैं तो स्पेशल कुछ ना कुछ स्नैक्स फॉर्म में या आपके फ्रीज़र में अगर कुछ, यू नो, मैरिनेट होके पड़ा हो, या जैसे समोसे हो गए, रोल्स हो गए, या फिर जो भल्ले होते हैं आप वो बना के फ्रीज़ कर दो, इस तरह से जो ईज़िली जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं ना, मैं उसके हक में हूँ, और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होती है उन डेज़ में जब आपका बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो यहाँ पे खैर मैंने चिकन को धोया,
अच्छा खासा मुझे यहाँ पे टाइम लग गया था, मतलब जितना मैं रिलैक्स थी ना आज के दिन कि मैंने कोई काम नहीं करना, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे काफ़ी काम करना पड़ता है। ये चिकन के अच्छे खासे लेग पीसेस थे, लाइक ये 20+ होंगे, और इसको फिर मैंने धोया, इसको कट किया, और इसके अब मैं मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। वही मैरिनेशन जो मैंने फ़िश की बनाई थी, वही मैं चिकन की भी कर रही हूँ। और बिलीव मी गाइस, मैंने 3 से 4 घंटे इसको लगाए धोने में, पहले चिकन को, फिश को साफ़ करने में, और उसके बाद उनकी मैरिनेशन रेडी करने में, इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। क्योंकि रमज़ान भी आपको पता है करीब आ रहा है, और मुझे अपना फ्रीज़र खाली करना है, और उसके लिए मुझे जितना भी पहले से प्री स्टॉक सामान था ना, उसको मुझे ख़त्म करना है। और मैं अगर चिकन या मटन इस तरह से कुछ लेके आऊँ, इवन वेजिटेबल्स भी जो मुझे फ्रीज़ करनी है, मैं उसको तकरीबन 25 to 30 days मैक्सिमम रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती, और कोशिश करती हूँ कि 20 days के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा से नया स्टॉक आया जाए। तो खैर इस तरह से ये होता है कि फ्रेश भी होता है, 20 से 25 दिन आपके सुकून से भी गुजर जाते हैं, आप भी हैसल फ्री हो जाते हो, और इस तरह से मुश्किल डेज़ में जब आपका बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा हो, या आप लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी हो, या समटाइम्स आपका नहीं दिल चाहता ना कि आज आपने खाना बनाना है, मतलब एक बेसिक सा दिन है, आपका नहीं दिल चाह रहा आपने खाना बनाना, आपका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, बट खाना भी खाना है, और बाहर आपको पता है ऑप्शंस बहुत कम है। एक तो हलाल का मसला है कि हर जगह से आपको अवेलेबल नहीं होता हलाल फूड, और दूसरा ये कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उतने में ही आप घर में 3 से 4 दिन अच्छा खासा गुजारा कर सकते हो, अच्छा खासा खाना बना सकते हो, जो कि आपको बाहर से मतलब आपको एक बिल जो बन जाता है, अच्छा खासा बिलीव मी गाइस बिल बन जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, स्पेशली गोरों के मुल्क में रह के आपको, आपके जो टेस्ट होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हम लोगों का देसी का जो टेस्ट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, बट जब आप इधर रह रहे हो तो आप पे भी इतना ज़्यादा करो, बट आपको उस तरह से फूड की क्वालिटी अच्छी ना मिले, इवन क्वांटिटी भी अच्छी ना मिले, तो वो बस फिर आपका दिल थोड़ा बैड हो जाता है। खैर यहाँ पे हम लोग आए थे, हम लोगों को किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आएँ, आप लोगों को यहाँ पे ऑफ़र पे भी हलाल चिकन मटन मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़बरदस्त सा स्टोर था, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके। इंशाल्लाह ताला मैं रमज़ान की भी सारी शॉपिंग यहाँ से ही करने वाली हूँ जो देसी स्टफ़ होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर मैं मटन, चिकन उसके लेग पीसेस और थाई के जो पीसेस होते हैं, कीमा जो होता है, मैं उसको फिर वो ले रही थी कि फ़रवरी का पूरा महीना ना ज़रा सुकून से गुजर जाए, और फिर उसके बाद आपको पता है रमज़ान आ जाएगा, और फिर रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि जै मतलब लाइक आप ऑब्वियसली जो आपकी नमाज वगैरह होती है, अस्कार होते हैं, वो तो होता ही है, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, कौन कौन लोग इत्तेकाफ़ पे बैठना चाह रहे हैं, और कौन कौन रमज़ान में क्या क्या बना रहा है, और क्या क्या प्लानिंग्स हैं, एक्स्ट्रा इबादत जो आप लोग करेंगे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे भी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी, ताकि मैं भी वो कर सकूँ। तो खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि बहुत ज़बरदस्त स्टोर था, जो लोग लग्जमबर्ग रहते हैं ना वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी ये कहाँ पे हम लोग गए थे, और बहुत इकनॉमिकल यहाँ से हमारा जो मंथ का चिकन वाला सीन होता है, चिकन या मटन हम लोग लेके आते हैं, वो बहुत इकनॉमिकल मिल गया था हम लोग को, और हम लोग वही हिसाब किताब लगाए थे कि लग्जमबर्ग से अगर हम लोग लें तो कितने का मिलता है, और ये जो फ्रांस का बॉर्डर है यहाँ से लें तो वो कितने का मिलता है। खैर वापस आते आते हम लोगों को रात हो चुकी थी, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, रात में और सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मौसम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, लाइक 1 घंटा आगे हो गए हैं सारी जो नमाज़ के टाइमिंग्स होते हैं, अगर मगरिब होती थी पहले 4:30 बजे, तो अब 5:30 हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। और समर्स में यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, मतलब आप एक्साइटेड भी होते हो, आप इंजॉय भी करते हो, क्योंकि दिन बहुत बड़े होते हैं, नमाज जो लास्ट इशा की होती है वो भी तकरीबन 11:30 तक होती है, और दूसरा ये कि आपके पास पूरा दिन होता है, आप सुकून से अपने काम कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड लाइफ हो जाती है, आपको घर में ही ज़्यादातर रहना पड़ता है, बच्चों की भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, सारा दिन आप बस घर में रहो, बच्चों को भी घर में रखो, बाहर निकलेंगे तो फ्लू ना हो जाए, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, उन सब से बचने के लिए कोशिश यही होती है कि हम लोग
घर में ही स्टे करें और घर में ही कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान आउट कर लें। ऑब्वियसली क्योंकि बच्चों को एंगेज रखना, उनको यू नो बिजी रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी अपनी लाइक वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी गाइस, बच्चों को बिजी रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं उनको बिजी रखने के लिए, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में बच्चों को घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये, फिर आप कुछ नहीं सकते, आपको साइमल्टेनियसली उनको स्क्रीन टाइम तो देना ही पड़ता है। और आज का दिन इसी तरह हम लोगों का बिजी बिजी गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला, बस कहती हूँ हिम्मत आकर दी रखे हम लोगों को, और हमको कभी भी किसी का मोहताज ना बनाए, अपने ही हाथों से हम लोग सारे काम करें और इसी में ही हम लोग आफियत रहे। तो खैर, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लग्जमबर्ग की जो भी यू नो ऑडियंस है वो स्पेशली मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना पसंद है या हाउस होल्ड रिलेटेड स्टफ़ देखना पसंद है या कुछ बाहर की चीज़ें देखना पसंद है, यू नो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो खैर, वीकेंड था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्नैक्स इन्जॉय किए जाएँ, और चाय बनाई मैंने और साथ साथ मैंने पॉपकॉर्न्स बनाए और मूवी लगा ली थी। आई डोंट नो कौन सी मूवी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि ये व्लॉग ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते पहले का है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ और मैं अपनी यू नो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा घर ही है, ये यू नो एक जस्ट काइंड ऑफ हॉबी है मेरी व्लॉग्स बनाना। तो बस मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं एडिट करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ कुछ क्लिप्स लेती हूँ पूरे हफ्ते में और फिर मैं उसका छोटा सा एक मिनी व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब ये बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, मुझे तब से ही लाइक 7, 8, 9 ईयर्स बैक बिफोर आप कर लो, जब नए नए जब हम लोग के पास स्मार्टफोन्स आए थे, मुझे तब से ही वीडियोज़ बनाना, पिक्चर्स क्लिक करना, यू नो बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को अपने पास प्रिजर्व रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो खैर, ब्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा बाद में फिर आई और उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपने चैनल्स बनाए और मैंने भी सोचा अपना चैनल बनाऊं, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि कुछ ना कुछ मैं अपनी मेमोरीज प्रिजर्व करूं ऐसे। तो खैर, आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग अब इन्जॉय करने वाले हैं अपना अपनी मूवी और स्नैक्स खाने लगे हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।